अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गया जिले में अलग अलग जगहों पर योग दिवस मनाया गया। लोगों ने योग दिवस के मौके पर करो योग रहो निरोग का संकल्प भी लिया। गया के केंदुई में पतंजलि आरोग्य केंद्र CRPF 159 बटालियन कैंप में तो वहीं पर्यवेक्षण गृह में भी योग दिवस मनाया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ भी योग का कार्यक्रम रखा गया है। इससे बच्चों को विशेष फायदा होता है, क्योंकि बच्चे का यहाँ पर इस योग से मानसिक और शारीरिक सभी तरह के फायदे होते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य और जो हमेशा निरोग बने रहेंगे इससे। और योग चूँकि बहुत पुरानी विधा है भारत की, तो इसको जो हम लोग को फिर से सभी जगह लागू करने के लिए इसको बच्चों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, और इसका निश्चित रूप से बहुत अच्छा फायदा होगा। कहाँ योग के दिवस आयोजित किया गया है? ये प्रवेक्षण गृह में आयोजित किया गया है, किया जा रहा है, योगाभ्यास किया जा रहा है। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महोत्सव मनाया जाता है। 4-5 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनली इसको लागू करवाया कि योग दिवस एक होना चाहिए, तो 21 जून को वो निर्धारित किया गया कि ये डेट हमारी योग दिवस में है। और इसी वजह से पूरे विश्व में इसका पता चला कि इतना महत्व रखता है योग, और पूरा विश्व जान गया योग के बारे में। किनके द्वारा किन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है? रिमांड होम, ऑब्जर्वेशन होम में बच्चों को हम लोग ये थोड़ा प्रशिक्षण देना चाहते हैं, ताकि योग द्वारा उनके लिए भी कुछ अच्छा हो सके, दिमाग परिवर्तन हो सके। मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से ये कैंप लगाई हूँ, और बच्चों को हमारे द्वारा योग सिखाया जा रहा है। इस मौके पर CRPF 159 कैंप में CRPF के जवानों के साथ साथ कैदियों ने भी योग कर खुद को स्वस्थ रखने का संकल्प लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत कुमार की रिपोर्ट।